नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने लड़के और लड़कियों के बालिक होने के उपरांत अपनी इच्छा से शादी करने को गलत बताया। भाजपा विधायक ने कहा, माता पिता से अच्छा निर्णय कोई नहीं ले सकता। युवक और युवतियां काम वासना और भावुकता में निर्णय लेते हैं जो कहीं से सही नहीं। साक्षी का निर्णय भी सही नहीं है और इससे पश्चाताप करना पड़ेगा। भाजपा विधायक ने कहा, शादी के लिए वसुधैव कुटुंबम शादी के लिए नहीं सही। साथ साथ रहने पर शादी बराबरी से करें। स्तरहीन व्यक्ति व चिंतन शांत नहीं होता, वह इसे भी नहीं रखेगा। भाजपा विधायक ने स्पष्टता पर कहा, कर व्यवस्था सही है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आम के पत्ते एक समान होते हैं पर फल अलग अलग होते हैं। एक साथ बैठना उठना गलत नहीं है पर शादी देख सुनकर करनी चाहिए। स्त्रियता और स्पृश्यता जो है, आप जो कहते हैं, देखिए पेड़ भले देखने में आम का पेड़ आपको अलग अलग लगता है, एक जैसा लगता है ना, पत्ता एक जैसा लगता है लेकिन फल अलग अलग होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म का एक मौलिक और वैज्ञानिक आधार है। सनातन धर्म का वर्ण व्यवस्था मौलिक एक आधार है और उस आधार को कभी भी इग्नोर ऋषियों मनुष्यों और साधकों की परंपरा को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बस दो भावना से सबको हम तो प्रत्येक जीव पर, हम लोग तो कहते हैं चींटी से लेकर के हाथी पर दया करना चाहिए। तो इंसान तो इंसान है, दलित भी हमारा भाई है, एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ उठना चाहिए, लेकिन संबंध और सहचारी भाव है हमेशा हमेशा जो है जानबूझ करके छानबीन करके होना चाहिए। और जो जितना बढ़िया पिता माता अपने पुत्र और पुत्री के लिए सोच सकता है उतना अपने बारे में आदमी भावावेश में कर लेता है, उसका प्रसिद्ध उसको करना पड़ता है। मन की बेटियों को बालिक होने के बाद यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वह किसी से शादी कर ले? बिल्कुल नहीं। पुत्र और पुत्री के बारे में जितना सुंदरतम चिंतन पिता और माता रखता है उतना दुनिया में कोई रखने वाला नहीं। ये कामुकता बस कोई भी बेटा हो या बेटी हो निर्णय लेती है काम वासना के वशीभूत होकर के, तो उसका निर्णय कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। साक्षी का जो भी निर्णय है गलत निर्णय है और उसका पश्चाताप उसको भविष्य में करना पड़ेगा। लेकिन सर, ये वसुधैव का कुटुंब है, यहाँ सब लोग बराबर के माने जाते हैं। ऐसा है, वसुधैव कुटुंबकम शादी करने के लिए नहीं, वसुधैव कुटुंबकम यह करने के लिए कि किसी को पिता मान लीजिए। वसुधैव कुटुंबकम इसके लिए नहीं कि माँ तो माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। तो संबंध हमेशा संस्कारों से संपन्न व्यक्ति के यहाँ होना चाहिए। और जो भी आप जानते हैं कि वो जो है वो जो लड़का है दलित घर का लड़का है वो जो है दो दो शादी जो है देखा देखी करके छोड़ा है, तो क्या इसको रखेगा? नहीं। कभी भी स्तरहीन व्यक्ति का कभी भी चिंतन शांत नहीं होता, वो कहीं दूसरे की फिर तलाश करे तो पश्चाताप उसको साक्षी को भुगतना पड़ेगा। इस टाइप की जो शादियां करते हैं सबको पश्चाताप बिल्कुल होता है। मतलब कि जो आपकी कानून कह रही है, आज नहीं तो